हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप सिंह, टीचर ऑफ गुरु हरगोबिंद पब्लिक हाई स्कूल फतेहगढ़। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 2.2। बिफोर दिस वीडियो, इस तो पहला वाली वीडियो दे विच अपने बेटा एक्सरसाइज 2.1 करी सी। क्लीयर? अज बेटा मैं तुहानू टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 2.2। 2.2 बेटा तुहाडी एक्सरसाइज दे विच की है, 2.2 दे विच तुहाडियां प्रॉपर्टीज़ नहीं है। क्लीयर? मैं तुहानू बुक शो कर रहा बेटा, आ देखो भी सारे पार्ट्स ने जिहड़े एक्सरसाइज 2.2 दे, उहदे विच आपणियां प्रॉपर्टीज़ यूज़ होणगियां। क्लीयर? वो प्रॉपर्टीज़ दे अकॉर्डिंग आपणे सम सॉल्व करना है। जिहन फस्ट आ गया फाइंड द सम, सम मीनस आपणे एडिशन करना है, जोड़ करना है, बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। क्लीयर है भी? आपणे की फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। हाँ जी, फस्ट सम देखो बेटा, एक्सरसाइज 2.2 का फस्ट सम, फाइंड द सम ऑफ ए पार्ट 837 प्लस 208 प्लस 363। क्लीयर है भी? यदा अपने सम फाइंड करना है, सम का मीनिंग की होंगे ऐड। क्लीयर? एडिशन करना है। हाँ जी बेटा, कई बच्चे तो इनू डायरैक्ट ही ऐड कर देते हैं, अपने बेटा डायरैक्ट नहीं ऐड करना इन, ठीक है। इनू अपने ये प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी का मीनिंग की होंगे बेटा, उन्होंने सिंपल वे अपने सॉल्व करना है। हमें इतने देखो 837 है, उरे है 363। क्लीयर है? 7 के 3 ऐड करा 10 बन गया बेटा, पिछे 0 बन गई। आपने कोई भी तुम्हें स्टेटमेंट दिती हुई है, पिछे अपने जीरोस वगैरह लेके आने, जिवें 100 की फॉर्म के बनाना है, या 10 की फॉर्म के बना है, या 1000 की फॉर्म के बना है। क्लीयर है? हम इतने जे आप 8 के 7 ऐड करते हैं, 7 प्लस 8 15 बन गया। क्लीयर? इट मीनस पिछे 5 आ गया। जे आप 8 प्लस 3 ऐड करते हैं तो 11 बन जूगा, वो भी थोड़ा पिछे 1 बन गया। क्लीयर? हूँ मीनस अपना जे आप 837 ऐड करिए 363 ना, अपना कितना बन गया 7 प्लस 3 10 बन गया जी, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12। देखो पिछे थोड़ा 100 की फॉर्म च आ गया ना, 0 आ गया डबल। हूँ आप इतने की लिखेंगे 837 प्लस 363 कट्ठे ले लेंगे ब्रैकेट के, पिछे तो डायल वे की आजगा 208। नैक्सट 837 प्लस 363 अपने को कितना बन गया 1200 प्लस 208। क्लीयर है? हूँ तुम 1200 के 208 ऐड कर दो बेटा, ये तो की आजगा आंसर, आंसर तो डिलीवर कितना आ गया 1408, ये तो डिलीवर की आ गया बेटा आंसर। क्लीयर है भी? सेम तुमने फस्ट पार्ट का बी पार्ट सेम इदा ही करना है। क्लीयर है भी? नैक्सट सैकेंड पार्ट देखो बेटा, जो सैकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट है, ये डिफरेंट है। क्लीयर है? मैं सारे पार्ट का एक एक सम तुम्हें करवा रहा हूँ। सैकेंड पार्ट देखो भी, सैकेंड पार्ट का ए सम 2 मल्टीप्लाई विद 768 मल्टीप्लाई विद 50। ये बेटा की कहा उन्होंने, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीनिंग की होंगे मल्टीप्लाई। क्लीयर? अपने मल्टीप्लाई करना है। हूँ देखो बेटा, जे आपने मल्टीप्लाई करके देखना है, जे 50 अपन 2 ना मल्टीप्लाई करिए 100 आ गया, तो आप सिंपल वे कर लाँगे। जे हम आप 1768 मल्टीप्लाई 2 ना करिए, तो 0 के नहीं रीप्रजेंट होता। इट मीनस आप देखो इतने 50 ना मल्टीप्लाई करके देखो 2 कि बन जू, तो 100 बन जूगा। क्लीयर? इट मीनस आप 2 मल्टीप्लाई विद 50 ज्वाइंट ले लेंगे, पिछले तो डिलीवर की रही जो 768, 50 2 ना करें 100 मल्टीप्लाई विद 1768, तो आंसर तो डिलीवर कितना आ गया ईजली 1,76,800। क्लीयर है भी? देखो 0 सी जो तो इदा आ जाए बेटा, मीनस 100 आ गया, 100 मल्टीप्लाई करना तो पिछले चुप करके 2 0 पाने अपने। क्लीयर है भी? यह तो सैकेंड पार्ट। हाँ जी, नैक्सट बेटा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट का देखो ए सम 297 मल्टीप्लाई विद 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई विद 3। ये बेटा देखो सेंटर के दे प्लस का साइन दिता हुआ तुम्हें। क्लीयर है? तो दोनों के करना कॉमन देखना है बेटा, कुछ कॉमन निकलता है। देखो इतने कॉमन की आज 297 कॉमन आ गया। क्लीयर है? हूँ तुहाडे लई कितना आ गया कॉमन 297 पिछे। हाँ जी, उरे 297 आ गया अपने को, पिछे की रह गया 17 प्लस, उरे 297 तुहाडा बाहर आ गया, पिछे की रह गया तुहाडे कोले 3 कॉमन आ गया बेटा, पिछे की रह गया 3। 297 मल्टीप्लाई, यहाँ मतलब होंगे मल्टीप्लाई बेटा। क्लीयर? इतने मल्टीप्लाई लिखना है, लिख लो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं हैगी। 17 प्लस 3 20। क्लीयर है भी? हूँ तुमने बेटा 297
97 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜੂਗਾ, 7 2 14 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5940। ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ 5940। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਂਸਰ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ। ਸੇਮ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ, 738 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ 103। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਓਪਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕਲੀਅਰ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 700 ਤੁਹਾਡਾ 38 ਐਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜੋ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 100+3। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, 100+3। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ, ਨੈਕਸਟ 738 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ 100, ਪਹਿਲਾਂ 738 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ 738 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ 3। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਟਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਵੀ, ਨੈਕਸਟ 738 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 73,800 ਪਲੱਸ। ਹੁਣ 738 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 2214। ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ, ਕਲੀਅਰ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ, ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 76,014। ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਫ ਵਰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.2, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5th, 6th, 7th ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ 4 ਪਾਰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਾਰਟ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.2 ਬੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.2 ਦਾ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ 2 ਪਾਰਟ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 6th ਐਂਡ 7th ਬੇਟਾ।